हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट बेस के जे डब्ल ई एंड नीट चैनल पर यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है आई आई टी जे डबल ई की एंड नीट की एंड साथ ही साथ इस चैनल पे आपको मिलेगा फाउंडेशन कोर्स जो कि बेसिकली एक ब्रिजिंग होता है नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ ट्वेल्थ के बीच में मतलब अगर आपका टारगेट है आई आई टी जे डबल ई या फिर नीट तो उसकी एक्चुअल तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है नाइन्थ या टेंथ से है ना

ये जो पूरा फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल है ना इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो एक बार आपको मैं बता देता हूं है ना तो देखिए ध्यान से टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा पहला तो है ना मतलब चैप्टर को टॉपिक वाइज में डिवाइड किया गया है और उसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल है उसका डीपीपी आपको मिलेगा उसका उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेगा ठीक है उसके बाद आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे जो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ठीक है उसके बाद है आपका डाउट सॉल्विंग सेशन मतलब लाइव सेशन के थ्रू आपके डाउट्स को भी क्लियर किए जाएंगे एंड उसके बाद है आपका वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसका टेस्ट भी होगा जिसमें आप अपने आप को एसेस कर पाओगे कि आपने कितना इस चैप्टर से सीखा है उसके बाद है आपका गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ठीक है मतलब जो आपके कुछ एग्जाम्स होते हैं है ना जैसे आपकी तैयारी तो हो ही रही है ठीक है आई टी जे डबल या फिर नीट की तैयारी तो होती है लेकिन साथ ही साथ इस कोर्स को करने के बाद ना कुछ ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं लाइक ओलंपियाड एन उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं इजिली ठीक है तो वो एग्जाम कब होंगे पैटर्न कैसा होगा कैसे अटेम्प्ट करना है क्या स्ट्रैटेजी वहां पर फॉलो करनी है इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी ठीक है उसके बाद आपका है चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिवाइज अपन करेंगे उसके बाद है आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मतलब यहां पर एक और मौका जिसमें आप अपने आप को एस कर सकते हो तो ये सब कुछ मिलेगा आपको इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में ठीक है तो चलें अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक डेट इज वर्सेस टाइम ग्राफ ठीक है ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैं वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लूंगा और एक्स एक्सिस पर टाइम लूंगा मैं और डिफरेंट सिचुएशन में है ना कैसा होगा वेलोसिटी टाइम के साथ उसको हम प्लॉट करेंगे उसको हम ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में ठीक है तो ध्यान देना तो यहां पर वाई पर एक्स पर टाइम ठीक है डिफरेंट सिचुएशन में यहां पर ग्राफ बनाएंगे अपन ठीक है अब मेरी बात को सुनना दो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ये पहला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो क्या देता है हमें एक्सेलरेशन देता है ठीक है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमें एक्सेलरेशन देगा जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था हमें वेलोसिटी लेकिन यहां पर वीटी ग्राफ का जो स्लोप है ना वो क्या देगा हमें एक्सेलरेशन देगा ठीक है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा मतलब जो भी ग्राफ बनेगा उसके अंडर जो एरिया होगा वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो स्लोप देगा एक्सेलरेशन एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट है ना इस बात को ध्यान रखना आप लोग ठीक है तो मेनली अभी ग्राफ को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए यह रटा हुआ होना चाहिए कि स्लोप एक्सेलरेशन देगा मतलब जो भी सिचुएशन आपको वो देगा उसमें सोचो कि एक्सेलरेशन कैसा होगा जैसा एक्सेलरेशन होगा वैसे ही स्लोप का ग्राफ बना दो है कि नहीं और किस सिचुएशन का स्लोप कैसा होता है ये मैं बता चुका हूं ग्राफ कॉन्सेप्ट में मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो जो ग्राफ कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वहां पर मैंने बताया था कि कब स्लोप पॉजिटिव होता है कब स्लोप नेगेटिव होता है कब स्लोप इंक्रीजिंग है कब स्लोप डिक्रीजिंग है ठीक है कब पॉजिटिव में इंक्रीज कब पॉजिटिव में डिक्रीज नेगेटिव में इंक्रीज नेगेटिव में डिक्रीज ये सब मैंने बताया हुआ वहां पर ठीक है चलो तो अभी अपन बात करेंगे यहां पर पहला केस लेते हैं वीटी ग्राफ का ध्यान देना आप लोग ठीक है पहले एक काम करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं पहला सिचुएशन लेके आता हूं ठीक है चलें, अब देखें ध्यान से यहां पर पहला सिचुएशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ठीक है अब मेरी बात को सुनो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो होगी और जो चीज जीरो है उसका ग्राफ कैसे बनेगा यार है कि नहीं तो आप बताओ वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी वाला ग्राफ बनेगा ही नहीं बनेगा ही नहीं मतलब क्या वो टाइम एक्सेस को ट्रेस करेगा कैसे देखो ध्यान से आप ये बताओ ये आपका वेलोसिटी ये आपका टाइम ठीक है अब बताओ मैंने कहा कि वेलोसिटी जीरो है ठीक है पांच सेकेंड के बाद देखा मान लो भैया वेलोसिटी जीरो ही है ठीक है दस सेकेंड के बाद देखा मैंने भैया वेलोसिटी जीरो ही है पंद्रह सेकेंड के बाद देखा मैंने भैया वेलोसिटी जीरो ही है तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है घड़ी में जो टाइम है वो तो बढ़ता ही जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है मतलब वेलोसिटी है ही नहीं वेलोसिटी जीरो है मतलब यहां पर वाई की वैल्यू जीरो रहेगी सिर्फ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका जो ग्राफ है वो इसी को ट्रेस करेगा ना है कि नहीं मतलब यहां पर ग्राफ विजिबल ही नहीं होगा यहां पर कोई हरकत होगी नहीं ठीक है तो यह कहानी होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी इज़ इज इट क्लियर सिंपल कहानी है तो है ना चलो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बात करते हैं नेक्स्ट केस ठीक है चलें अब देखें यहां पर ध्यान से ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है अब सुनो ध्यान से ऑब्जेक्ट जहां बोल दिया यूनिफॉर्म मोशन ठीक है तो वहां पर velocity constant. और अगर विलॉसिटी कॉन्स्टेंट तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं ठीक है क्योंकि एक्सेलरेशन अगर है तो विलोसिटी चेंज होती है तो यहां पर यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है मतलबेंट है और विलॉसिटी कॉन्स्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है ठीक है तो यहां पर हम क्या बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब Velocity constant है कि नहीं Therefore, acceleration फोर एक्सेलेशन इज जीरो भी ग्राफ बनेगा उसका स्लोप भी क्या होगा जीरो होगा है कि नहीं तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसका स्लोप जीरो होगा ठीक है चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से इसमें मैंने दो केस किया हुआ है ठीक है पहला केस है यूनिफॉर्म मोशन में वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूअर्ड राइट अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टूवर्ड राइट right में विथ कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी तो वहां पर वैल्यू पॉजिटिव होगी ना कॉन्स्टेंट होगी लेकिन पॉजिटिव होगी मान लो ऑब्जेक्ट की विलोसिटी है टेन मीटर पर सेकेंड एंड थ्रू आउट द मोशन उसकी विलॉसिटी टेन ही है ठीक है और राइट right डायरेक्शन में है मतलब प्लस टेन है, है कि नहीं तो यहां पर देखो ग्राफ कैसा बनेगा आप देखो यहां पर देखो ये वेलोसिटी ये आपका टाइम ठीक है मान लो ये पांच पांच सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं मैं पांच सेकंड दस सेकंड पंद्रह सेकंड ठीक है बीस सेकंड और ये आपका टाइम सेकंड में है यहां पर ठीक है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है ठीक है तो मान लो ये दस मीटर पर सेकंड है ठीक है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहां लिख दिया है मैंने और ये कितना आपका ट्वेंटी ये कितना थर्टी तो मान लो यार कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में ही ट्वेंटी थी ठीक है देखा कि टाइम बढ़ गया पांच सेकेंड उसकी वेलोसिटी ट्वेंटी की ट्वेंटी है देखा यार दस सेकेंड हो गए वेलोसिटी में कोई बदलावी नहीं आया भैया दस सेकेंड पांच सेकेंड और हो गया पंद्रह सेकेंड हो गया वेलोसिटी में कोई ही नहीं आया तो आप देखो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है मतलब जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सेस बनेगा ना है कि नहीं तो यहां पर पहली बात तो ये कि वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा टुवर्ड राइट ठीक है दूसरा ये जो ग्राफ बना है इसका स्लोप जीरो होता है ना तुम बताओ क्या कोई चढ़ान है नहीं ढलान है नहीं स्लोप है ही नहीं ठीक है तो यहां पर स्लोप जीरो है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है है कि नहीं तो यहां पर हम बोलेंगे कि आपका स्लोप जीरो है है कि नहीं एक्सेलरेशन भी जीरो है है कि नहीं और वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है क्योंकि टुवर्ड राइट वाला केस है ये है कि नहीं ठीक है चलो तो ये हो गया आपका पहला केस इसका यूनिफॉर्म मोशन का अब हम बात करेंगे दूसरा केस यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्मली बॉडी तो मूव कर रहा है लेकिन टुवर्ड लेफ्ट कर रहा है है कि नहीं मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी तो है लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ठीक है चलो बात करते हैं पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें चलो अब देखो ध्यान से यहां पर आप लोग बी पार्ट ठीक है ध्यान देना वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूअर्ड लेफ्ट अब यहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुअर्ड लेफ्ट ठीक है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो यहां पर भी आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब यहां पर भी स्लोप जीरो होगा लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है ठीक है इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ठीक है ना कैसे देखो ध्यान से इधर देखो ये आपका वेलोसिटी ये आपका टाइम ठीक है अब ध्यान देना आप लोग यहां पर इधर देखो मैंने कहा इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया मैंने ठीक है ये मैंने टाइम को ले रहा हूं सेकेंड में वेलोसिटी ले रहा हूं मीटर पर सेकेंड में ठीक है तो ये पांच पांच सेकेंड का गैप ले लेता हूं मैं पांच सेकेंड दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड है कि नहीं ठीक है अब देखो ध्यान से यहां पर ये आपका है माइनस दस ये माइनस बीस ये माइनस तीस है कि नहीं ठीक है अब आप देखो ध्यान से यहां पर ये देखो ये आपका मान लो स्टार्टिंग में वेलोसिटी ट्वेंटी थी ठीक है मतलब माइनस ट्वेंटी क्यों बोल रहा हूं मैं बिकॉज लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो फिर पांच सेकेंड के बाद वेलोसिटी माइनस बी है अगले पांच में भी वेलोसिटी क्या है माइनस है अगले पांच की वेलोसिटी क्या है माइनस बी सी है मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी है डेट प्रूव कि बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड लेफ्ट साइन कन्वेंशन आपको पता ही होगा है कि नहीं ठीक है अच्छा एक और बात अगर यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह पर स्पीड टाइम ग्राफ होता स्पीड टाइम ग्राफ ठीक है तो भले बॉडी मूव कर रही होती टुवर्ड राइट टुवर्ड लेफ्ट आपका ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है ना एक बात को याद रखना आप लोग कि अगर वेक्टर क्वॉंटिटी सॉरी अगर स्केलर क्वांटिटी रहता है ठीक है आपका स्पीड हो जाए वेलोसिटी की जगह पर स्पीड हो जाए तो कभी भी ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आता है ना वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा क्योंकि आपका स्केलर क्वांटिटी है है ना तो स्पीड कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा तो यहां हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं इसीलिए उसका साइन नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन तो टुवर्ड लेफ्ट है तो वेलोसिटी नेगेटिव टुवर्ड राइट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना तो ये शो कर रहा है वेलोसिटी नेगेटिव तो यहां भी देखो एक्सेलरेशन क्या है जीरो बिकॉज़ स्लोप जीरो है तो यहां भी देखो आपका स्लोप जीरो है देयरफॉर एक्सेलरेशन जीरो देयरफॉर वेलोसिटी कांस्टेंट और वो नेगेटिव में है है कि नहीं क्लियर चलो तो ये हो गया आपका सिंपल सा है ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है चलें अब देखते हैं अपन यहां पर थर्ड केस क्या बोल रहा है देखो ध्यान से व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है तो अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब वेलोसिटी चेंज होगी और अगर वेलोसिटी चेंज होगी मतलब एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा अब ठीक है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मतलब स्लो भी एग्जिस्ट करेगा है ना ठीक है लेकिन यहां पर बहुत सारे केसेस में अपन को बात करनी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो पहला केस क्या हो सकता है वेलोसिटी देखो चेंज होगी वेलोसिटी बिकॉज नॉन मोशन है अब वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी बढ़ सकती है, है कि नहीं अब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहां भी दो केस हो सकता है ठीक है क्या दो केस होगा आपका कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है ठीक है वहीं अगर आपका या मैं ऐसा बोलूं कि वेलोसिटी बढ़ने में तीन केस हो सकता है तीन केस कैसे देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय कांस्टेंट रेट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग रेट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय डिक्रीजिंग रेट है कि नहीं मतलब मैंने ये बोला वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन का साइन तो पॉजिटिव होगा नो डाउट ठीक है बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही होगा ठीक है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव में हो सकता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो है कि नहीं तो उस केस में क्या होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी कॉन्स्टेंट रेट से है ना फिर यह भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम अमाउंट से बढ़ रही है फिर धीरे धीरे ज्यादा अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ने लगेगी है कि नहीं ठीक है या फिर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ही लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है मतलब वेलोसिटी का बढ़ने का रेट कम हो रहा है, है ना ये सब अपन एग्जांपल करके देखेंगे अपन अब यहां पर ठीक है तो वेलोसिटी इंक्रीज में ये तीन केस हो सकते हैं वैसे ही वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो तीन केस होंगे है कि नहीं मतलब टोटल यहां पर छह केसेस आपको दिखेंगे ठीक है तो शुरू करें अपन चलवाओ तो यहां पर देखो पहला केस है वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग विलॉसिटी बाय कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं मतलब यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव तो है साथ में कांस्टेंट है अब ध्यान देना इधर देखो इसका मतलब क्या होता है अगर मैं तुम्हें थोड़ा समझाऊं तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मान लो आपका जीरो सेकेंड पे वेलोसिटी थी सपोज करो जीरो मीटर पर सेकेंड मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मान लिया मैंने ठीक है अब क्या हुआ अगले पांच सेकंड में वेलोसिटी हो गई टेन मीटर पर सेकंड अगले पांच सेकंड में हो गई ट्वेंटी मीटर पर सेकंड अगले पांच सेकंड में हो गई थर्टी मीटर पर सेकंड तो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है ना है कि नहीं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे विलॉसिटी इंक्रीजेस बाय कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट रेट मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है कि नहीं ठीक है तो यहां पर देखो ध्यान से सुनो आप ये बताओ मान लो ये आपका ये है आपका वेलोसिटी ये आपका टाइम ठीक है अब देखो यहां पर ये मैं ले रहा हूं पांच पांच सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं पांच सेकंड दस सेकंड पंद्रह सेकंड बीस सेकंड ठीक है चलो यहां पर मैं ले रहा हूं यहां पर टाइम सेकेंड में है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है ठीक है यहां पर वेलोसिटी ले रहा हूं मैं दस मीटर पर सेकेंड बीस मीटर पर सेकेंड तीस मीटर पर सेकेंड चालीस मीटर पर सेकेंड ठीक है अब देखो मान लो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो थी तो ग्राफ शुरू होगा हो ओरिजिन से फिर अगले पांच सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ के दस हो गई मतलब यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा ठीक है अगले पांच सेकंड में वेलोसिटी और दस से बढ़ गई मतलब कितना हो गया ठीक है ट्वेंटी मीटर पर सेकंड फिर अगले पांच सेकंड में और वेलोसिटी बढ़ गई दस से थर्टी हो गया अगले पांच सेकंड में और वेलोसिटी बढ़ गई मतलब फोर्टी हो गया तो आप बताओ जब इनको ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा ना और ऐसा ग्राफ में हम कहते हैं ना कि स्लोप कांस्टेंट होता है और पॉजिटिव होगा बिकॉज एक्यूट एंगल बना रहा है ये, है कि नहीं ठीक है तो आप बताओ इसका स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी कांस्टेंटली बढ़ेगी वेलोसिटी है कि नहीं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे यहां पर हम बोलेंगे दे आर फोर यह ऐसा बोलो सिंस स्लोप इज कॉन्स्टेंट एंड पॉजिटिव दे आर फोर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड पॉजिटिव है कि नहीं दे आर फोर वेलॉसिटी इंक्रीजेस by constant रेट है कि नहीं क्लियर है कहानी ठीक है अब देखो मेरी बात को सुनो जरूरी है क्या कि इनिशियल में वेलोसिटी जीरो ही रहे हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ हो है ना तो अगर मान लो इसी केस में अगर उसकी वेलोसिटी पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रही है ये ये v ये t मान लो पहले से वेलोसिटी कुछ एग्जिस्ट कर रही है ठीक है मान लो टेन मीटर पर सेकेंड पहले से वेलोसिटी है और फिर यहां से कॉन्स्टेंटली बढ़ना शुरू हुआ है ना तो ये भी ग्राफ हो सकता है ये भी हो सकता है है ना तो दोनों इस पर्टिकुलर पार्ट का ग्राफ हो सकता है बस फर्क क्या है यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो है यहां पर जीरो नहीं है कुछ है इज इट क्लियर तो आपको यह बात समझ में आ रही है वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वहां पर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है मतलब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है वहां पर क्लियर ठीक है चलो तो ये हो गया आपका पहला पार्ट अब हम देखेंगे वेलोसिटी इंक्रीज तो होगी बाय इंक्रीजिंग रेट है कि नहीं चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें चले अब देखें यहां पर ध्यान से when object is moving with increasing velocity by increasing acceleration मतलब यहां पर बढ़ रही है, है? है लेकिन बढ़ने का rate भी बढ़ रहा है मतलब acceleration भी बढ़ रहा है मतलब यहां पर ऐसा graph बनाना होगा जिसका slope बढ़ रहा होगा है कि नहीं ठीक है मतलब इसका अगर मैं example लू ना तो क्या होता है देखो अब तुम बोलोगे सर इंक्रीजिंग वेलोसिटी बाय इंक्रीजिंग एक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ मतलब बढ़ने का रेट बढ़ रहा है मतलब क्या तो मेरी बात को सुनो एग्जांपल लेता हूं मैं मैंने कहा कि मान लो इनिशियल में उसकी वेलोसिटी जीरो है ठीक है पांच पांच सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं मैं ठीक है तो अब देखा कि पहले पांच सेकेंड में मान लो वेलॉसिटी बढ़ के हो गई दस मीटर पर सेकेंड ठीक है फिर देखा कि अगले पांच सेकेंड में वेलॉसिटी थर्टी मीटर पर सेकेंड हो गई है ना फिर देखा अगले पांच सेकंड में वेलोसिटी सेवेंटी मीटर पर सेकंड हो गई मैं तुम देख रहे हो कि स्टार्टिंग का जो पांच सेकंड है उसमें सिर्फ दस का इंक्रीमेंट हुआ अगले वाले पांच सेकंड में देखा तो बीस का इंक्रीमेंट हो गया थर्टी हो गया और अगले पांच सेकंड में देखा सत्तर हो गया भाई चालीस का इंक्रीमेंट मतलब वेलोसिटी का बढ़ने का जो रेट है वो बढ़ रहा है तो यहां वेलोसिटी बढ़ रही है ना लेकिन बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है है नहीं ठीक है तो यहां पर देखो ध्यान से मैंने ये कहा ये आपका टाइम ये आपका वेलोसिटी ठीक है इनिशियल में मैंने मान लिया कि वेलोसिटी जीरो है है ना अब बताओ यहां पर इंक्रीजिंग रेट से मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब इंक्रीजिंग स्लोप रखना होगा ना और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब वहां पर स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है तो यहां पर पहली बात तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए मतलब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात दूसरी बात वेलोसिटी का बढ़ने का रेट बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब स्लोप भी बढ़ना चाहिए मतलब स्लोप बढ़ता हुआ वा वाला बनाना पड़ेगा और स्लोप का साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए तो उसका ग्राफ मैं बता चुका हूं पहले ही ऐसा बनता है ग्राफ है कि नहीं तो यहां पर देखो जहां से यहां पर आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना ठीक है और स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव है ना स्लोप क्यों है बिकॉज मैंने ये कहा था कि अगर चढ़ान होगा तो स्लोप पॉजिटिव होता है, है कि नहीं तो यहां पर देखो चढ़ान है कि नहीं ठीक है और यहां पर चढ़ान बढ़ रहा है ना ठीक है तुम ये बताओ यहां पर कम चढ़ान है यहां पर ज्यादा चढ़ान है मतलब यहां पर यहां का जो स्टीपनेस है वो कम है यहां का ज्यादा है ठीक है आ रही है बात समझ में या फिर एंगल से भी चेक कर सकते हो आप लोग आप बताओ यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं ये हॉरिजॉन्टल ये एंगल मान लो अल्फा यहां पर मैं बनाऊं टेंजेंट ठीक है यहां बनाऊं हॉरिजॉन्टल ये वाला एंगल मान लो बीटा तो अगर एंगल इंक्रीज होता है तो स्लोप भी इंक्रीज होता है है कि नहीं ठीक है ये सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं ग्राफ कॉन्सेप्ट में पूरा ठीक है वहां जाके आप देख सकते हैं पहले ठीक है तो यहां पर देखो मैं कहूंगा सिंस स्लोप इंक्रीजेस एंड पॉजिटिव दे एक्सेलरेशन ऑलसो इंक्रीजेस एंड पॉजिटिव है कि नहीं ठीक है तो यहां पर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीमेंट का रेट भी बढ़ रहा है इस क्लियर ठीक है चलो अब देखो यहां से यहां पर अब जरूरी तो है नहीं कि उसकी वेलोसिटी पहले से जीरो हो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है ठीक है तो यहां पर ग्राफ यहां से भी शुरू हो सकता है ना यार सेम टाइप का ग्राफ है कि नहीं ये हो सकता आपका क्लियर तो जब वेलोसिटी बढ़े बाय इंक्रीजिंग रेट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो ग्राफ विल बी लाइक दिस क्लियर ठीक है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम बात करेंगे सी वाला केस आप देखें ध्यान से यहां पर सी केस वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है अब तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन अगर घट रही है तो वेलोसिटी भी घटनी चाहिए नहीं भाई ऐसा नहीं है मान लो पहले एक्सेलरेशन था आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अब एक्सेलरेशन हो गया पंद्रह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिफ्टीन ठीक है तो भैया पहले भी पॉजिटिव में एक्सेलरेशन था अभी भी पॉजिटिव में ही एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है तो 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 पॉजिटिव में होगा वेलोसिटी ना वो लेकिन बढ़ने का रेट कम हो रहा है पहले तेजी तेजी में बढ़ रहा था वेलोसिटी अब धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर वेलोसिटी है ना एग्जांपल लेता हूं मैं देखो सुनो तुम ये बताओ मान लो इनिशियल में वेलोसिटी जीरो है ठीक है अब देखा मैंने कि पहले पांच सेकेंड में देखा मैंने कि वेलोसिटी हो गई पचास मीटर पर सेकेंड है कि नहीं मतलब पहले जीरो थी पांच सेकेंड में देखा वेलोसिटी कितनी हो गई पचास हो गई ठीक है फिर अगले पांच में देखा कि पचास के बाद कितनी हो गई अस्सी हुई है कि नहीं एटी मतलब पहले पांच सेकेंड में पचास का इंक्रीमेंट लेकिन अगले पांच सेकंड में सिर्फ थर्टी का इंक्रीमेंट है कि नहीं फिर देखा कि अगले पांच सेकेंड में हो गया वहां पर कितना आपका हंड्रेड मीटर पर सेकेंड मतलब सिर्फ बीस का ही इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन इंक्रीमेंट का रेट जो है ना वो घट रहा है पहले पचास का इंक्रीमेंट हो गया था फिर अब सिर्फ तीस का इंक्रीमेंट हुआ फिर बीस का इंक्रीमेंट हुआ मतलब यहां पर वेलोसिटी की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ग्रोथ का रेट कम हो रहा है है कि नहीं तो ग्रोथ का रेट मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है ये कहानी है तो यहां पर आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बाय डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा है कि नहीं पॉजिटिव में स्लोप डिक्रीज जब होता है वो वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा ठीक है तो वो ग्राफ कैसा होता है लाइक like दिस ठीक है चलो आओ देखो ध्यान से यहां पर आप लोग आप बताओ ये आपका Velocity, ये आपका टाइम ठीक है अब देखो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो अब देखो ग्राफ विल like ना ऐसा देखो है कि नहीं ठीक है तो ऐसा ग्राफ बनेगा तो यहां पर देखो स्लोप का साइन पॉजिटिव होगा भाई ये भी चढ़ान है ना चढ़ान चढ़ान अगर है तो स्लोप पॉजिटिव होगा और तुम बताओ यहां पर चढ़ान कम हो रहा है ना ठीक है यहां पर ज्यादा स्टीपनेस है यहां पर कम स्टीपनेस है आपका बिल्कुल तो यहां पर चढ़ान कम हो रहा है मतलब स्लोप कम हो रहा है और पॉजिटिव है मतलब कम हो रहा है और पॉजिटिव है मतलब डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन ठीक है तो देखो वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना वाई की वैल्यू तो बढ़ी रही है लेकिन बढ़ने का रेट कम हो रहा है तुम यहां पर देख लो एक काम करो पांच पांच सेकेंड का इंटरवल लो जरा तुम देखो पहले पांच सेकंड में देखा इतनी बढ़ गई वेलोसिटी, ठीक है अगले पांच में देखा थोड़ी कम बढ़ी ना वेलोसिटी, अगले पांच में देखा थोड़ी और कम बढ़ी ना वेलोसिटी, अगले पांच में देखोगे ट्वेंटी मान लो ये तो यहां पर देखो और कम बढ़ी वेलोसिटी, तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है मतलब जो बढ़ने का अमाउंट है वो कम हो रहा है, है कि नहीं ठीक है तो यहां पर हम कहेंगे कि सिंस स्लोप इज डिक्रीजेस स्लोप डिक्रीजेस एंड पॉजिटिव दे आर फोर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्लियर है ठीक है चलो तो यहां पर यह कहानी हो गई है ना अब देखो कोई जरूरी तो है नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही हो तो अगर मान लो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही बॉडी के पास है तो ग्राफ विल बी लाइक दस ना है कि नहीं ठीक है चलो तो यह हो गया आपका सिंपल केस कि के जब आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो तीन तरीके से बढ़ सकती है वो तीन तरीका हमने क्या देखा कि एक कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रही हो वेलोसिटी है कि नहीं एक आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है वेलोसिटी और एक आपका डिक्रीजिंग रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है है कि नहीं मतलब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज इट क्लियर ठीक है चलो तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम बात करेंगे यहां पर चौथा केस जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसमें आपके तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो अब तीन केस और देखना है इसमें को ठीक है चलो चले अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट केस देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी बाय कांस्टेंट रिटार्डेशन ठीक है अब देखो ध्यान से यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है रिटार्डेशन होगा ना मतलब एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव होगा ठीक है मतलब यहां पर जो भी ग्राफ बनाएंगे उसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट करता को, तो negative, मतलब है कि नहीं तो यहां पर देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन से मतलब कॉन्स्टेंट अमाउंट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ठीक है जैसे मान लो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी मान लो थी 100 मीटर पर सेकंड ठीक है अगले पांच सेकंड पे मान लो हो गई 90 मीटर पर सेकंड अगले पांच सेकंड पे हो गई 80 मीटर पर सेकंड अगले पांच सेकंड पे हो गई 70 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी घट रही है लेकिन वेलोसिटी का घटने का जो रेट है वो कांस्टेंट है है कि नहीं तो कॉन्स्टेंट तो देखो यहां से यहां पर तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो ये आपका टाइम यह आपका वेलोसिटी, ठीक है अब मान लो मैंने ऐसे कहा कि यह आपका पांच सेकंड, यह आपका दस सेकंड, ये पंद्रह सेकंड, ये आपका बीस सेकंड, ठीक है और ये आपका मान लो दस बीस तीस चालीस पचास साठ ठीक है ऐसा मान लिया मैंने ठीक है चलो अब देखो ध्यान से यहां पर क्या कहानी है देखो अब क्या हुआ मान लो उसकी वेलोसिटी, ठीक है इनिशियल में फोर्टी थी मान लो अगले पांच सेकंड में घट के कितनी हो गई थर्टी हो गई अगले पांच सेकंड में घट के कितनी हो गई ट्वेंटी हो गई अगले पांच सेकंड में घटके कितनी हो गई टेन हो गई और अगले पांच सेकंड में घटके कितनी हो गई जीरो हो गई है कि नहीं तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसा होगा ना ठीक है अब मालूम है क्या है इसके आगे और भी प्रोड्यूस हो सकती है ठीक है कैसे जैसे मान लो मैं अगर चल रहा हूं इस तरफ है कि नहीं मान लो मेरी है कितनी 40 मैं चल रहा हूं टूअर्ड राइट ठीक है अब कोई रिटार्ड कर रहा है मुझे तो रिटार्ड करने का मतलब मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है है कि नहीं तो पहले मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी ठीक है थर्टी हो जाएगी ठीक है फिर कितनी ट्वेंटी हो जाएगी फिर कितनी टेन हो जाएगी फिर जीरो हो जाएगी लेकिन अगर वो धक्का लगाते रहा तो अब मैं घूम जाऊंगा अब वही जो फोर्स जो मेरी वेलोसिटी को पहले कम कर रहा था अब वो मुझे एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा ना इन नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अब मेरी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी ना इन नेगेटिव डायरेक्शन है कि नहीं तो आप बताओ अगर वो कंटिन्यू रखा वो वाला फोर्स तो ये कंटिन्यू रहेगा ना ऐसा आप देखो यहां पर नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी ना यहां पर है कि नहीं आ रही है बात समझ में आपको ठीक है तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी घट रही है और घटने का रेट भी कांस्टेंट है क्यों बोला मैंने घटने का रेट कांस्टेंट है यहां पर कांस्टेंट रिटार्डेशन क्यों है क्योंकि यहां पर स्लोप क्या है कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट ना ठीक है और ये ढलान है ना ढलान तो ढलान का स्लोप नेगेटिव होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और कॉन्स्टेंट तो यहां पर हम क्या बोलेंगे सिंस स्लोप इज नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट देआर फोर एक्सिलेशन की वैल्यू भी नेगेटिव और कॉन्स्टेंट और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं रिटार बोलते हैं है कि नहीं ठीक है चलो यह कहानी क्लियर हुई आपको है ना ठीक है यह तो हो गया आपका सिंपल सा ये वाला ग्राफ कि जब वेलॉसिटी डिक्रीज होगी बाई कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन क्लियर ना अब हम बात करेंगे जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है कि नहीं ठीक है तो उसका एग्जाम्पल भी मैं लूंगा पहले काम करें इसका स्विचौ ले लें ठीक है चले आप देखिए ध्यान से आप लोग यहां पर यहां पर देखो ये वाले में क्या है वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलॉसिटी बाय इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है लेकिन वो घटने का रेट भी बढ़ रहा है मतलब ये देखो मान लो पहले उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब क्या हुआ पहले पांच सेकेंड में घट घटके हो गई 90, ठीक है फिर देखा कि अगले पांच सेकेंड में 90 से हो गई 50, है कि नहीं मतलब पहले पांच सेकंड में सिर्फ 10 का डिक्रीमेंट हुआ था लेकिन अगले पांच सेकंड में चालीस का डिक्रीमेंट हो गया और फिर देखा कि अगले पांच सेकेंड में तो भैया पचास का डिक्रीमेंट मतलब वेलोसिटी जो घट रही है ना घटने का रेट भी बढ़ रहा है वेलोसिटी तो घट रही है लेकिन घटने का रेट बढ़ रहा है मतलब स्टार्टिंग में कम अमाउंट से कम हो रहा था फिर धीरे धीरे ज्यादा अमाउंट से कम होने लगा तो घटने का रेट बढ़ रहा है, है कि नहीं मतलब रिटार्डेशन की वैल्यू बढ़ रही है और रिटार्डेशन की वैल्यू का बढ़ना मतलब पहले के मुकाबले अब ज्यादा तेजी से वो वेलोसिटी को कम करने लगेगा है कि नहीं तो यहां पर देखो ग्राफ कैसा बनेगा यहां पर आपका इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है, है कि नहीं मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज हो रही है मतलब यहां पर आपको स्लोप नेगेटिव रखना है लेकिन इंक्रीजिंग होना पड़ेगा तो वैसा ग्राफ बनाना होगा जिसमें स्लोप नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा हो है कि नहीं तो वो कैसा ग्राफ होता है ये बता चुका हूं मैं आपके ग्राफ कॉन्सेप्ट में कि, कि स्लोप नेगेटिव में इंक्रीज कब होता है ठीक है तो ध्यान देना इधर देखो ये वेलोसिटी, ये टाइम ठीक है अब देखो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी ये तो श्योर है कि ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा नीचे की तरफ ही जाएगा लेकिन ऐसा होगा ये देखो ध्यान से देखो ढलान तो होना है श्योर है तभी स्लोप नेगेटिव होगा लेकिन यहां पर ढलान जो है ना वो बढ़ रही है देखो यहां पर कम ढलान है लेकिन यहां ज्यादा ढलान है ना यहां ज्यादा ढलान है, है कि नहीं ठीक है तो आप बताओ यहां पर हम बोलेंगे सिंस स्लोप इज नेगेटिव एंड इंक्रीजेस दे आर फोर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव एंड इंक्रीजेस है कि नहीं ठीक है चलो तुम यहां पर एक काम करो ना एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन थोड़ा सा पांच सेकेंड दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड ये बी सेकेंड अब देखो पहले पांच सेकेंड में सिर्फ इतना कम हुआ था इतना लेकिन अगले पांच सेकेंड में इतना कम हो गया अगले पांच सेकेंड में और ज्यादा कम हो गया और अगले पांच सेकेंड में और ज्यादा कम हो गया तो हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी घट रही है वो ज्यादा होते जा रही है ना मतलब ज्यादा अमाउंट से घट रही है ना अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी ज्यादा अमाउंट से कम होता जा रही है कम होती जा रही है तो यहां पर घटने का रेट बढ़ रहा है ठीक है तो बाय इंक्रीजिंग रिटार्डेशन तो ऐसा बनेगा इज इट क्लियर ठीक है चलो अब हम देखते हैं यहां पर लास्ट केस कि जब आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी बाय डिक्रीजिंग रेट है कि नहीं मतलब बाय डिक्रीजिंग रिटार्डेशन ठीक है मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा अमाउंट से कम होगी फिर धीरे धीरे घटने का रेट कम होता जाएगा चलो देखते हैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग तो। चलो अब देखो यहां से यहां पर नेक्स्ट एफ वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग विलॉसिटी बाय डिक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन वहां पर रिटार्डेशन भी डिक्रीज हो रही है ठीक है अब देखो एग्जाम्पल लेता हूं इसका मैं डिक्रीजिंग रिटार्डेशन का मतलब ये कि घटने का रेट घट रहा है मतलब पहले ज्यादा तेजी से घट रहा था फिर बाय द टाइम घटने का रेट कम हो गया घट तो रही है वेलोसिटी, लेकिन उसका रेट कम हो गया कैसे देखो आप बताओ मान लो पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड फिर देखा कि पहले पांच सेकेंड में हंड्रेड का पचास हो गया एकदम से पचास का डिक्रीमेंट लेकिन अगले पांच में देखा कितना हो गया थर्टी हो गया है कि नहीं मतलब सिर्फ बीस का इंक्रीमेंट फिर देखा अगले पांच में आपका हो गया ट्वेंटी हो गया सिर्फ दस का डिक्रीमेंट तो वेलोसिटी का घटने का रेट घट रहा है स्टार्टिंग में ज्यादा तेजी से घट रहा था फिर बाद में धीरे धीरे घट रहा है है कि नहीं ठीक है आ रही है बात समझ में तो वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब यहां पर हमें ऐसा ग्राफ बनाना होगा जिसका स्लोप नेगेटिव तो हो बिकॉज रिटार्डेशन है तो स्लोप नेगेटिव तो हो लेकिन वो स्लोप डिक्रीज होना चाहिए है कि नहीं तो यहां पर हमें नेगेटिव स्लोप में डिक्रीजिंग स्लोप बनाना पड़ेगा तो उसका ग्राफ कैसा होता है देखो ध्यान से यहां पर इधर देखो वेलोसिटी को डिक्रीज करना है अपने को तो ग्राफ तो ऐसे ही होगा या? नहीं ग्राफ नीचे मतलब वेलोसिटी तो कम ही होना चाहिए लेकिन ग्राफ कैसा होगा लाइक like दिस थोड़ा सा और ऐसा तो आप देखो यहां पर ज्यादा ढलान है यहां पर कम ढलान है थोड़ा सा और अगर इसको स्ट्रिप ना मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा ठीक है तो यहां पर देखो आप देख सकते हो पांच सेकेंड दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड तो आप देखो पहले पांच में तो खतरनाक डिक्रीमेंट आया देख रहे हो लेकिन अगले पांच में थोड़ा कम डिक्रीमेंट आया और अगले पांच में और कम आया और अगले पांच में तो बिल्कुल बहुत कम आया तो यहां पर स्लोप घट रही है ना लेकिन नेगेटिव स्लोप है ये, ढलान है तो ढलान का मतलब नेगेटिव स्लोप और घट रही है दिख रहा है यहां ज्यादा ढलान है यहां कम ढलान है है कि नहीं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे सिंस स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजेस दे आर फोर एक्सिलेशन इज नेगेटिव मतलब रिडाडेशन तो है ही लेकिन डिक्रीज हो रही है क्लियर ठीक है चलो ये कहानी हो गई आपके यहां पर है ना तो यहां पर हमने क्या देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने छह केसेस देखे ठीक है मतलब वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ में जितने पॉसिबल ग्राफ हो सकते थे ना वो अपन ने यहां पर देख लिया ठीक है तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बात करते हैं कुछ और चलो अब जो मैंने आपसे बात कही थी ना कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा उसका एरिया हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा ठीक है कि नहीं आओ देखो ऐसा क्यों देखो यहां पर थोड़ा समझते हैं ऐसे देखो सपोज करना आपके पास ये वेलोसिटी है ये टाइम है ठीक है मान लो यहां पर मैंने पांच पांच सेकेंड का गैप ले लिया मैंने ठीक है, टाइम सेकेंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है ठीक है अब देखो ध्यान से मान लो स्टार्टिंग में वेलोसिटी उसके पास थी 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा ना ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा ही होगा है कि नहीं ठीक है अब बताओ बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से ठीक है अब सवाल मान लो ये पूछा गया कि ये बताओ कि 20 सेकंड के बाद उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा मतलब 20 सेकंड के बाद उसने कुछ तो कवर किया होगा ना यार कांस्टेंटली मूव कर रही है तो गाड़ी तो आगे जा रही है ना ठीक है तो वहां पर 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा गया सवाल तो उसके लिए हम क्या करेंगे 20 सेकंड तक का ये जो एरिया है बी सेकेंड तक का जो ये जो एरिया है ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे ये जो एरिया है ना वो हमें क्या देगा बी सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे तुम ये बताओ अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो आप बताओ जो एरिया आप दोगे वो लेंथ इनटू ब्रेस से दोगे ना ये रेक्टेंगल है क्योंकि अब बताओ इसका लेंथ का रोल कौन निभा रहा है लेंथ का रोल टाइम निभा रहा है है कि नहीं ठीक है तो लेंथ का रोल टाइम निभा रहा है कितना टाइम है ट्वेंटी और ब्रेथ का रोल वेलोसिटी निभा रहा है कितना है ट्वेंटी है कि नहीं अब बताओ अगर मैं यूनिट की बात करूं यूनिट की तो ट्वेंटी क्या है ये सेकेंड और ये ट्वेंटी क्या है मीटर पर सेकेंड तो आप बताओ सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया तो जो एरिया का यूनिट आएगा वो मीटर आएगा ना यहां पर है ना आप बताओ ट्वेंटी सेकेंड ये और ये ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है तो दोनों के यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओ यूनिट कौन सी आ रही है मीटर और मीटर किसकी यूनिट होती है कि नहीं तो यहां पर क्योंकि लेंथ का रोल टाइम निभा रहा है ब्रेथ का रोल आपका वेलोसिटी निभा रहा है तो टाइम इंटू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है ना वेलोसिटी इनटू टाइम या टाइम इंटू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है ना यार तो इसीलिए कहते हैं कि एरिया जो है ना वो हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा है कि नहीं ठीक है ये कहानी है तो यहां पर हम सीधे बोलेंगे कि, कि कितना मूव किया होगा उसने 400 मीटर मूव किया होगा उसने ठीक है तुम बोलोगे सर कि यहां पर एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर सुना था हमने है ना लेकिन यहां पर देखो ना लेंथ का रोल कौन निभा रहा है ब्रेथ का रोल कौन निभा रहा है वो क्वांटिटी के हिसाब से यूनिट रखोगे ना उसका ठीक है हम लोग मीटर स्क्वायर क्यों बोलते थे एरिया में क्योंकि लेंथ आपका मीटर होता था ब्रेथ भी आपका मीटर होता था तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर लेकिन यहां पर लेंथ का रोल निभा रहा है सेकेंड और ब्रेथ का मीटर पर सेकेंड तो आंसर मीटर में आएगा डिस्प्लेसमेंट क्लियर है कहानी ठीक है चलो तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ओवर होता है ठीक है अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ वो थोड़ा छोटा टॉपिक है इतना बड़ा नहीं जाएगा वो है कि नहीं ठीक है तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको सिंपल मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम पे जाना है या फिर जो मैग्नेट ब्रेन का YouTube चैनल है वहां पर आप जाएं ठीक है वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे ठीक है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है है ना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दो टॉपिक पढ़ने के बाद कोई कूपन लगाना हो कोई पेमेंट करना हो ऐसा बिल्कुल नहीं है है ना सारे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल ठीक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ठीक है तो बस अंत में ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक like ज़रूर करें और अगर आप चैनल में नए हो, तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो तो आपसे बिल्कुल मिस ना हो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए थैंक यू